हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं आज आया हूँ खेसारी लाल के घर, जो कि छपरा में रसेलपुर गांव है, वहीं पे आज आया हूँ। मैं आपको पूरा दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। और जो खेसारी लाल भैया हैं, वो यहीं से उनका जीवन वापन हुआ है, यहीं से पढ़ाई की है अपना, और यहीं से वो स्टार बने। तो दोस्तों, मैं आपको जो पीछे घर देख रहे हैं, वही है पुराना वाला घर। मैंने पिछला ब्लॉग में दिखाया था, वो नया वाला घर था जो बन रहा था, जो उसमें करोड़ों का लागत भी लग चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा बैक कैमरे से दिखाने का प्रयास करता हूँ, ब्लॉग के अंत बने रहेगा। ये दोस्तों, ये है खेसारी लाल भैया का घर। चलते हैं थोड़ा सा पास, आपको दिखाते हैं पूरा ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको ये पूरा खेसारी लाल भैया का घर। ये है खेसारी लाल भैया का घर, और उनके पिताजी का नाम है मंगलू यादव, मेघनाथ यादव। ये है उनका खेसारी भैया का घर, मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा। ये है गेट। मैं आपको पूरा चारों तरफ से घूम के दिखा रहा हूँ। ये पुराना वाला घर है, वो नया जो घर बन रहा है, वो नया वाला घर था जो मैंने पिछला ब्लॉग में दिखाया था आपको। और दोस्तों, लंबाई की बात करूँ तो बहुत बड़ा घर है ये। बस बाहर से दिख रहा है छोटा घर, पर बहुत बड़ा घर है, क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा इनका है इस घर का। और दोस्तों, जो पुराना घर था, वो उन्हीं के बगल में एक गौशाला भी है, जहाँ पे गाय को काफ़ी रखा जाता है। और यहाँ पे देख सकते कितने नाद हैं, जहाँ पे गाय को खान दिया जाता है, यहाँ पे काफ़ी नाद है, वही गाय को यहाँ पे रखा जाता है। मैं आपको पूरा बैक कैमरा दिखाऊंगा, चलते हैं देखते हैं। और वहाँ पर देखिए बाइक लगा हुआ है, जो अपाची बाइक लगा हुआ, वो साथ के साथ भी जा गई है। और आप देख सकते हैं मशीन भी है, और यही है गौशाला जो जहाँ पर गाय को रखा जाता है। ये दोस्तों खेसारी लाल भैया के गायों का स्थान, जहाँ पे गाय को रखा जाता है, इसे गौशाला बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो तीन नाद है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे तीन गाय रहते हैं। और आप वहाँ देख सकते हैं अपाची खड़ा है, और यहाँ पे मशीन जो धान काटती मशीन है, वो है पहले ज़माने का मशीन है, वो जो पहले चला करता था। अब इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है,